जब एक स्थानीय व्यापारी ने जो पहली बार जब टेंडर निकले 160 रुपया रेट प्रति कूड़ेदान जब उसने क्वेट किया तो उस टेंडर को जो है इन्होंने नगर परिषद ने कैंसिल कर दिया। और दूसरी बार जब टेंडर लगाया तो इसकी जानकारी छुपते छुपाते हुए उस दुकानदार तक पहुंची ही नहीं और 260 रुपये जो है ये डस्टबिन जो है प्रति डस्टबिन जो है खरीद कर ली गई। आज हालात ऐसे हैं कि इस वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण आज नगर परिषद में मैं समझता हूं कि श्रीलंका जैसे हालात खड़े हो गए हैं। आज जो नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं लगभग 50 कर्मचारी हैं, लगभग 8 रिटायरी हैं जिनकी पेंशन जो है नगर परिषद के खजाने पर निर्भर करती है, आज उनके बच्चों के रोजी रोटी पर जो है आज जो है संकट मैं समझता हूं मंडरा चुका है। अब नगर परिषद के पास उनके वेतन देने के लिए लाले पड़ गए हैं। अगर इतने बड़े स्तर पर अगर डस्टबिनों कूड़ेदानों की खरीद करनी थी तो डायरेक्ट वेक्टर्स कंपनी से, पॉलीसेट कंपनी से हम डायरेक्ट पत्राचार करके उनसे भी कोटेशन जो है हम ले सकते थे, तो ये कार्य क्यों नहीं किया गया? इसमें बड़ा घोलमाल किया गया इस टेंडर को लेकर भी। जब एक स्थानीय व्यापारी ने जो पहली बार जब टेंडर निकले 160 रुपया रेट प्रति कूड़ेदान जब उसने क्वेट किया तो उस टेंडर को जो है इन्होंने नगर परिषद ने कैंसिल कर दिया। और दूसरी बार जब टेंडर लगाया तो इसकी जानकारी छुपते छुपाते हुए उस दुकानदार तक पहुंची ही नहीं और 260 रुपये जो है ये डस्टबिन जो है प्रति डस्टबिन जो है खरीद कर ली गई। आज हालात ऐसे हैं कि इस वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण आज नगर परिषद में मैं समझता हूं कि श्रीलंका जैसे हालात खड़े हो गए हैं। आज जो नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं लगभग 50 कर्मचारी हैं, लगभग 8 रिटायरी हैं जिनकी पेंशन जो है नगर परिषद के खजाने पर निर्भर करती है, आज उनके बच्चों के रोजी रोटी पर जो है आज जो है संकट मैं समझता हूं मंडरा चुका है। अब नगर परिषद के पास उनके वेतन देने के लिए लाले पड़ गए हैं। इस प्रकार का वित्तीय कुप्रबंधन 260 रुपए जो है ये डस्टबिन जो है प्रति डस्टबिन जो है खरीद कर ली गई। आज हालात ऐसे हैं कि इस वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण आज नगर परिषद में मैं समझता हूं कि श्रीलंका जैसे हालात खड़े हो गए हैं। आज जो नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं लगभग 50 कर्मचारी हैं, लगभग 8 रिटायरी हैं जिनकी पेंशन जो है नगर परिषद के खजाने पर निर्भर करती है, आज उनके बच्चों के रोजी रोटी पर जो है आज जो है संकट मैं समझता हूँ मंडरा चुका है। अब नगर परिषद के पास उनके वेतन देने के लिए लाले पड़ गए हैं। इस प्रकार का वित्तीय कुप्रबंधन